हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। आरबीआई में 623 वैकेंसी आई हुई हैं, जिसके फॉर्म फिल करने का प्रोसेस मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर आपको डिटेल्स पढ़नी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी डिटेल का लिंक शेयर किया गया है और अप्लाई करने का लिंक भी शेयर किया गया है, जो आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप गूगल में सर्च करेंगे आरबीआई। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट आप उसका डिटेल देख लें तो आप डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई के लिंक पर जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सब दिया हुआ है। पर अगर आप इसको खुद सर्च करना चाहते हैं, उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आप गूगल में लिखेंगे आरबीआई और इंटर दबाएंगे तो सबसे पहले जो लिंक खुलकर आएगा, देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें वैकेंसीज लिखी हुई है, अपॉर्चुनिटीज एट द रेट ऑफ आरबीआई लिखा हुआ है। तो आप वैकेंसीज पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने वैकेंसीज पर क्लिक किया तो ये वैकेंसीज जो प्रोसेस में चल रही है वो सब लिस्टेड होंगी। तो यहां पर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो सारी डिटेल आपको यहां पर मिल जाएंगी, आपके वैकेंसी से रिलेटेड, उसके एग्जाम डेट एंड ऑनलाइन फिलिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इन डेट, स्टार्ट डेट, वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बाकी सारी की सारी डिटेल आपको यहां पर मिल जाएंगी। फिर आप उसके बाद क्या करेंगे, अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अप्लाई का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। आप देख रहे होंगे कि ये जो बॉक्स है, ये आपको अगर आपकी स्पीड स्लो है तो थोड़े देर में खुल के आएगी, तो आपको वेट करना पड़ेगा। जब ये आएगा तो आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ये बस एक आपसे ऑथेंटिकेशन मांग रहा है। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे फिर आपको डिटेल सारी फिल करनी है। फर्स्ट नेम में आप फर्स्ट नेम डाल देंगे। मैंने एक डेमो नेम ले लिया है, राज। एंड आफ्टर दैट कंफर्म फर्स्ट नेम में राज लिख दिया, एंड मिडिल नेम में मैंने सिंह लिख दिया और मिडिल नेम सिंह लिख दिया। अगर किसी का लास्ट नेम भी है, जैसे बहुत लोग तीन शब्द का नाम होता है, ठीक है ना, तो आप लास्ट नेम भी लिख सकते हैं अगर जिसके पास होंगे। जिसके पास नहीं है तो उसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे। फुल नेम में पूरा नाम दिखाएगा। फिर आप मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। ठीक है, मैं एक ऐसे ही कोई नंबर रेंडमली ले रहा हूं, 8737065496। ठीक है, मैंने एक रैंडमली नंबर को एक ले लिया है। उसके बाद फिर एक अदर नंबर ले लेता हूं, नंबर है 8737065496। ठीक है, अल्टरनेट नंबर भी होगा, आप चाहे तो उसको भी फिल कर सकते हैं। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप करनी होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इसमें सारी डिटेल आप बहुत ध्यान से फिलअप करेंगे और सारी इंफॉर्मेशन, अच्छी बात यह कि दो दो बार मांगी गई है, इसलिए गलती होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। ठीक है, ईमेल आईडी आप कोई भी एक अपनी ओरिजिनल आईडी लिखेंगे जो कि एक्टिव हो। ठीक है, तो मैंने एक ऐसे ही डेमो के लिए ले लिया है, gmail आपको यहां नहीं लिखना है, एट द रेट के बाद जो आपका डोमेन होता है आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर जीमेल है तो gmail.com, याहू है तो याहू। ठीक है, अब यहां पर आप कंप्लीट जीमेल आईडी लिखेंगे, abcd123@gmail.com। फिर आप यहां पर कैप्चा कोड एंटर करेंगे, 729fw। ठीक है, अब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगर कोई एरर होगा तो बता देगा, अदरवाइज आपसे फाइनल सबमिशन के लिए पूछेगा, तो आप ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे आपने ओके पर क्लिक किया, आप नेक्स्ट पर जाएंगे, जहां पर आपको अपना स्कैंड फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। ठीक है ना, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ सकते हैं कि फोटो की साइज वगैरह क्या होगी। आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे और आपको फोटो चूज करनी है, तो मैं एक फोटो चूज कर लूंगा जो कि आपकी फोटो होनी चाहिए, 20 KB to 50 KB के बीच में होनी चाहिए।
तो मैंने एक फोटो लिया जो कि 20 KB टू 50 KB के बीच का हो, और सिग्नेचर भी मैं ले लूंगा। जैसे मैंने फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिए, हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हमें अपने बेसिक डिटेल्स फिल करने होंगे, जैसे कि हमारी कैटेगरी क्या है। अगर एससी है तो आप एससी पर क्लिक करेंगे, एससी एसटी ओबीसी जनरल, ठीक है ना, जिस पर आपका होगा उस पर आप क्लिक कर लेंगे। पर्सन विद डिसएबिलिटी, अगर आप डिसेबल्ड पर्सन है तो यस, अदरवाइज नो पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, ये सारी चीजें फिल करनी होंगी। अब आते हैं, इसमें सारे डिटेल जो आपसे रिलेटेड है आप उसमें यस करेंगे, अदरवाइज जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा आप उसके लिए यस करेंगे, अदरवाइज सब पे नो करते जाएंगे। एक्स सर्विस मैन के लिए यस, ये सारी चीजें आप फिलअप करते चले जाएंगे। अभी आप देखो, यहां पर आपको भरना है कि वेदर डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ जे एंड के बिटवीन 1 जनवरी 1982-89। तो अगर है, यानी कि आप वहां के डोमिसाइल वाले हैं 1980 और 1989 के बीच में, तो यस, अदरवाइज नो। तो अगर है तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देंगे। तो कुछ रिलैक्सेशन के लिए, जैसे कि विडो होती हैं और डाइवोर्स्ड वुमेन होती हैं और कुछ जुडिशली सपोर्टेड होते हैं, तो उनके लिए अगर आप एलिजिबल है तो उसके लिए यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है ना, अगर आप आरबीआई में ऑलरेडी वर्किंग है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप एक्स एम्प्लॉय, यानी कि आप पहले काम उसमें कर चुके हैं, अब नहीं वर्क कर रहे हैं, तो यस, अदरवाइज नो पर क्लिक करेंगे। अब यस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस मांगेगा। ठीक है, रिलीजियस, आप अपने रिलीजन को इसमें सेलेक्ट करेंगे, जो भी रिलीजन होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। यहां देखिए, नेशनलिटी आपकी इंडियन है, यानी कि सिर्फ इंडियन ही इसको भर सकते हैं, कोई अदर कंट्री के लोग इसको फिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑटो फिल्ड है। तो अभी आप नेक्स्ट पर जाइए, आधार कार्ड आपके पास है तो यस कर दीजिए, उसके बाद आप इसमें फिल कर देंगे। देखिए, इसको फिल कर देंगे वो बेटर होगा आपके लिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप नो पर क्लिक कर दीजिए। अब स्टेट ऑफ द ऑफिस यू आर अप्लाइंग फॉर, आप किस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी स्टेट में आप रह रहे हैं, आप जो स्टेट में आप वर्क करना चाहते हैं, उस स्टेट को आप फिल कर देंगे। यानी कि ये स्टेट नहीं, एक्चुअली बताता है कि इसके सेंटर कहां कहां पे है, तो आपको वो सेंटर, अगर मैंने कानपुर एंड लखनऊ फिल कर दिया तो कानपुर एंड लखनऊ के सेंटर हमको बताएगा, वहां से मुझे एक सेंटर चूज करना है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए और मेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो मैंने ले लिया सेंटर फॉर प्रिलिम एग्जामिनेशन, इसमें से मैंने इलाहाबाद ले लिया अगर, एंड नेक्स्ट मेन एग्जाम के लिए मैंने उत्तर प्रदेश चूज किया, और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन मैंने लखनऊ ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये पूछ रहा है कि आर यू प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज एनी स्टेट फॉलिंग अंडर द रिक्रूटमेंट ऑफिस, यानी कि जो नेटिव लैंग्वेज वगैरह है, हिंदी हो गई, अदर अदर स्टेट में जो वहां की नेटिव लैंग्वेज होती है, आप उसमें प्रोफिशिएंट है, यानी कि आपको अच्छे से बोलने, समझने, लिखने आती है या नहीं। अगर हाँ तो यस पे, यानी कि मैंडेटरी होना चाहिए, यानी कि जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसी बात है, आप उसको वहां का लैंग्वेज नहीं पता होगा तो फिर आप वहां वर्क कैसे कर पाओगे। तो ये मोस्टली आपको एएससी करना है। नेक्स्ट, लैंग्वेज आपको फिल करनी है, वो एक ही ऑप्शन है हिंदी का। नेक्स्ट, आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल करनी है, सही से आप फिल करेंगे क्योंकि ये दो बार नहीं मांगेगा, इसलिए आप इसको सोच समझ के फिल करेंगे। एंड देन आप मेल हैं तो मेल, फीमेल हैं तो फीमेल, आप शादीशुदा हैं या डाइवोर्स्ड हैं, मैरिड हैं, जो भी चीजें हैं आप उसको फिल करेंगे। अब आती है बात आपके पेरेंट्स की डिटेल और आपके एड्रेस की बात। तो पेरेंट्स में लिखेंगे, हमने लिख दिया रवि सिंह, ठीक है ना, यहां पर आप कंप्लीट नेम लिखेंगे अपने फादर का और मदर का भी, ठीक है,
और स्पोस नेम होगा तो आप उसे भी लिख सकते हैं, एड्रेस ऑफ करंटेंडेंस यानी कि जो लेटर कम्युनिकेशन के लिए जो आपका एड्रेस है या फिर करंट एड्रेस जिसे कह सकते हो आप, वो आप फिल कर सकते हैं। जहां पर आपको लेटर एक्चुअली मंगवानी होती है तो उसका एड्रेस इसके अंदर फिल होगा। ध्यान रखिएगा आपको सही से फिल करने हैं। तो 123 मैंने कुछ भी लिख दिया, फिर गोमती नगर, ठीक है। अब हमने डिटेल फिल कर दी, एड्रेस आप सही से लिखेंगे और स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड आप लिख देंगे, ठीक है। 6 डिजिट का पिन कोड होता है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस सेव है तो आप इस बटन पे क्लिक कर देंगे, मतलब कि आपको दोबारा फिल करने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अमाउंट आपको 450 रुपए पे करने होंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। अब आप करेंगे वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगर कोई गलती है, देखिए बता रहा है 1 or more error found, अब हमें चेक करना है कि एरर कहां पर है। डेफिनेशन आपको सेट करनी, ये मेरा छूट गया था, तो आर यू एक्स सर्विसमैन आप इस पे नो कर देंगे। फिर आपको यहां फिल करना है कि ये सारी डिटेल नो कर दीजिए, अगर यस है तो यस, अदरवाइज नो। देन आप फिर से यहां एयर सेलेक्ट करेंगे, वो चला जाता है जब आपकी कोई गलती होती है तो। फिर आप क्या करेंगे, सारी डिटेल हो गई हैं, फिर से वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। जैसे आपने किया, अगर डिटेल सही है तो ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर आपको यहां पर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। ग्रेजुएशन में जो भी चीजें आपकी होंगी उसे आप फिल कर देंगे। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप यहां पर सीधे इंजीनियरिंग फिल कर देंगे, या फिर आपने बीटेक या बीई जो कर रखा है या एमई एमटेक जो कर रखा है आप उसको फिल कर देंगे, ठीक है ना। एंड देन यहां पर डेटा पासिंग आप फिल करेंगे, जिस डेट में आप अपने एग्जाम को पास किए हैं उसे आप फिल कर देंगे। एंड परसेंटेज आप मार्क फिल कर देंगे जो भी आपका होगा। एंड आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी का अपना नेम, जैसे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ग्रेड अपना फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल आप फिल करना चाहते हैं भर सकते हैं। देखिए हमको ये ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट की डिग्री फिल करनी है, वो कंपलसरी है, बाकी आप चाहे भरो ना भरो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आपको वर्ड प्रोसेसिंग या कंप्यूटर की नॉलेज है कि नहीं तो आप यस करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। डिटेल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, आप इसको 35 कैरेक्टर्स में डिफाइन कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार की नॉलेज, यानी आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, आपको डिग्री है या कोई सर्टिफिकेट कोर्स है, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आप डिग्री है तो डिग्री लिख सकते हैं, या डिप्लोमा है तो उस डिप्लोमा के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको वर्क एक्सपीरियंस इसमें फिल करना है, अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है या प्रेजेंटली वर्किंग है यस, अदरवाइज नो, उसके बाद आपके सारे डिटेल यहाँ पर फिल करने होंगे। आपको लैंग्वेज फिल करना होगा, जिस लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट हैं या एक्सपर्ट हैं, ठीक है। हिंदी होगी रीड राइट स्पीक एंड देन इंग्लिश, ठीक है, रीड राइट एंड स्पीक। अब वैलिडेट करेंगे डिटेल्स को, सारी डिटेल करेक्ट है, ओके पर क्लिक किया, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया। जब हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे फिर एक प्रीव्यू आएगा, हमारे जो फॉर्म है जो हमने फिल किया अभी तक डिटेल्स, उसका प्रीव्यू आएगा। आप देखेंगे कि सबसे ऊपर आप देखिए यहां पर लॉगआउट का ऑप्शन बना हुआ है, यानी कि बीच में आप जहां भी चाहो लॉगआउट कर सकते हो और बाद में आकर के उसी फॉर्म को वहीं से फिल कर सकते हो। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है या बीच में आपका लैपटॉप या कंप्यूटर बंद हो जाता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लॉग इन करेंगे, ठीक है, लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है,
लॉगिन करने का, रजिस्ट्रेशन करने का, वहां से जाकर के आप फिर से लॉगिन करके डिटेल को फिल कर सकते हैं। ये सारी डिटेल आ गई। अब आपको क्या करना है कि यहां पर आई एग्री पर क्लिक करना है, उसके बाद फाइनल सबमिट करना है, इस पर आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपका ऑप्शन आता है पेमेंट करने का, ठीक है। तो आप ये जो कैप्चा कोड या सिक्योरिटी कोड जो होता है उसे आप फिल करेंगे 2JK7 एंड देन सबमिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। वो पूछेगा तो ओके आप कर देंगे। फिर आपको पेमेंट के कई सारे मेथड होंगे जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। आप अपने एटीएम कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, जिसे आप डेबिट कार्ड कहते हैं, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट ये क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट होता है, तो ध्यान रखिएगा आप अपना यहाँ एटीएम कार्ड का नंबर मत फिल करने लगेगा, क्योंकि वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड अलग अलग होता है। तो आप यहाँ डेबिट कार्ड पे पहले क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ अपना कार्ड नंबर, उसके बाद एक्सपायरी डेट, सीवीसी नंबर, ये जानते होंगे आप, जो आपके कार्ड के पीछे 3 डिजिट का होता है उसे आप फिल करेंगे, अपना नाम या फिर जो कार्ड होल्डर है उसका नाम, फिर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास एक सिक्योरिटी कोड आएगा, वन टाइम पासवर्ड इसे कहते हैं, उसे आप फिल करेंगे और पेमेंट आपका हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो गया, आपके मोबाइल में आपके ईमेल आईडी पर मैसेज आएगा कंफर्मेशन का कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, इसका मतलब आपने अपना फॉर्म कंप्लीटली फिल कर लिया है। फिर अब आप यहां जो मैंने बताया था लॉग इन करने के लिए, वहां से आप लॉग इन करके फिर से अपने फुल रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिल करने में, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और घंटी को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।